बढ़िया। तो पुल के ऊपर हमारा एक राष्ट्रीय झंडा भी लगा हुआ है, तो जो कि बहुत नज़ारा कुछ उत्तराखंड का। मैं इस पुल की लंबाई दिखाता हूँ, कितना देर में वहाँ पहुँचता हूँ। वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आया था विज्ञान सेन हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से मैं अब निकल रहा हूँ अपने गांव की ओर, और आपको थोड़ा सा रोड के नज़ारे दिखाते हुए और चलते हैं। और ये है स्वास्थ्य केंद्र सरकारी विज्ञान सेन का बाड़ीकोट हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें आज आपको दिखाता हूँ रोड कैसी है। यहाँ तक तो पूरा स्टाफ क्वार्टर बने हुए हैं, और सामने का नज़ारा और मौसम बहुत ही मस्त, नज़ारा बहुत बढ़िया। तो दिखाते हैं कि यहाँ तक आने के लिए रोड भी कैसी है, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे जो हॉस्पिटल के नज़दीक जहाँ पे स्टाफ क्वार्टर है, यहाँ पर तो सीमेंट के रोड बने हुए हैं, और जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड है जहाँ से एम्बुलेंस आती है, वो रोड का भी नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैंने आपको हॉस्पिटल का नज़ारा दिखा था, अगर आपने नहीं देखा तो वो वाली ब्लॉग में आप हॉस्पिटल वाली ब्लॉग ज़रूर देखें। और अब यहाँ से पीडब्ल्यूडी की रोड स्टार्ट होती है, नीचे है विज्ञान सेन मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं पूरा। और मेरे पीछे बैठे हैं आज हमारे माता जी हैं, हमारे जो अम्मा जी हैं, यानी कि हमारे चाची के जो मम्मी हैं, वो आ रखे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, उनको दिखाने लाया था। तो ये है रोड का नज़ारा। एक तो रोड बहुत छोटी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रोड तो अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसी रोड है। तो चलते हैं शालदे के लिए इस समय, और दिखाते हैं आपको रोड का नज़ारा। तो चलते हैं, और इस वाले रोड पर मिल गए। तो ये रोड हम जा रहे हैं विज्ञान सेन की तरफ, और आगे चलते हैं तो शिनायर विनायक को कवर करती है। यहाँ का फुल अल्टीमेट नज़ारा है, और लेकिन यहाँ पर आजकल उत्तराखंड में काफ़ी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइफाइड एंड डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी जैसे हॉस्पिटल में गया था तो काफ़ी लोग बीमार पड़े हुए हैं, और जो अपने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो विज्ञान सेन का नज़ारा आप देख सकते हैं सामने, ये नज़ारा है विज्ञान सेन का, बहुत ही बढ़िया मस्त नज़ारा है यार थोड़ा सा। तो ये है नज़ारा कुछ विज्ञान सेन का, यहाँ से स्टार्ट होता है और वो वहाँ से तक वो तक, तो बहुत ही बढ़िया। तो चलते हैं, और आगे फिर एक और रोड है, वो है मेन हाईवे रोड, जो कि सीधा रामनगर दिल्ली के लिए जाती है। और अगर हम वहाँ से राइट मुड़ेंगे और हम अपने गाँव के लिए, तो जब मैं भी जब दिल्ली से आता हूँ तो इसी रोड का इस्तेमाल करता हूँ। भतरा स्थान 25 किलोमीटर है, दौला 25 किलोमीटर। तो हम मुड़ गए यहाँ से राइट, यानी कि अपने गांव की तरफ। अगर हम उधर को जाते लेफ्ट में तो वो विज्ञान सेन शहर है, मार्केट है, और ये है स्कूल, बसें। तो गाइज, ये है विज्ञान सेन और जनरल के बीच का रास्ता, और रामगंगा नदी नीचे जो आप देख रहे हैं। तो ये है नज़ारा कुछ इस तरह का। तो आज आपको न्यू रोड जर्नी और न्यू पुल उत्तराखंड का दिखाऊंगा, जो उत्तराखंड में सबसे इस समय जो है बड़ी पुल है, और वो है केदार की 105 मीटर वाली पुल। आज वही पुल मैं आपको दिखाने वाला हूं, और उस पुल का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो गाइस, पहुंच चुके हैं हम नौला पे, और ये नौला एक गाँव है, और ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे बद्रीनाथ रोड है, और यही रोड जो है बद्रीनाथ को जाती है। गाइस, अगर आपने बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है तो ये रोड भी आपको सीधा बद्रीनाथ हाईवे पर पहुंचाएगी। मतलब ये बद्रीनाथ हाईवे है, और ये आपको सीधा कर्णप्रयाग पहुंचाएगी। कर्णप्रयाग से फिर आप चाहे केदारनाथ को जाए, चाहे चबोली बद्रीनाथ को जाए, जोशीमठ को जाए, तो ये रोड, तो यह रोड स्टार्ट होती है रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और सीधा बद्रीनाथ के लिए। तो इसको नाम भी बद्रीनाथ हाईवे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी रोड है, काफ़ी लोग यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जाते हैं, और रोड की कंडीशन भी अच्छी है। बीच बीच में थोड़ा सा रोड में गड्ढे हैं, वो बीच में क्या हुआ कि बारिश हुई थी, इसकी वजह से शायद हुआ होगा।
तो कभी कभी गाड़ी के साथ ऐसी भी मुलाकात हो जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा तो रोड बहुत ही कम चौड़ी है, लेकिन उत्तराखंड में सभी जो है समझदारी से गाड़ी चलाते हैं। अपने साइड पर चलें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर आप रॉन्ग साइड चलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ जाएगी। तो केदार आ चुका है और केदार का पुल का भी नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से चौड़ीकरण कर दिया काफ़ी, क्योंकि आगे पुल है और गाड़ी को पास देना होता है, साइड देना होता है, तो यहाँ पर काफ़ी चौड़ी बना दी रोड को, बहुत ही अच्छा। देखो सामने भी गाड़ी जाना स्टार्ट हो गया, सटेड़ है क्या नाम है गांव का मुझे पता नहीं, और ये पुल बन चुकी है आप देख सकते हैं गाइज। तो यह पुल जो है आपको मैं दिखाना चाह रहा था, जो कि आप देख सकते हैं पूरा, पहले मैं सामने रखूँगा। और यह पुल है शालदे एंड देघाट के लिए, जो कि बड़ी मस्त पुल है, आप देख सकते हैं पूरा। तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं केदार पे, और ये मेरी बाइक है और ये रोड जा रही है सीधा शालदे एंड देघाट। तो शालदे यहां से करीब 7 किलोमीटर यहां से पड़ता है और वहाँ से 1 किलोमीटर हमारा आगे पड़ता है। तो आज मुख्य कारण यह था कि मैं विकासन से आ रहा था, तो मैंने सोचा इधर से जाऊँगा और आपको यह मैं पुल दिखाऊँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यह पुल, तो इस पुल की लंबाई यहाँ पे लिखा हुआ है 105 मीटर। सीधा गाइडलाइन जितने भी पुल के जो गाइडलाइंस हैं वो है हमारे अम्मा जी और वो है हमारे चाचा। तो आज मैं इनको लेके आया था, विकासन की तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और पहले भी आपने कई बार मुझे वीडियो के साथ इस पुल पर चलते हुए दिखा होगा, तो ये पुराना पुल है जो अब ये बंद हो चुका है, तो वो पुल भी काफ़ी पुराना हो चुका है और इसी वजह से अब ये नया पुल बन चुका है, तो अब सब इसमें चलते हैं। तो ये है नीचे रामगंगा, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मच्छियाँ भी होती हैं और यहाँ पर जो गहरा पानी है ना, ये इसकी बहुत लंबी कहानी भी है और यहाँ पर हमेशा गहरा ही रहता है क्योंकि मोड़ पर है। और आपको दिखाते हैं फिर यहाँ पर संगम, तो दोनों नदियों का यहाँ पर संगम है और ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर है बुद्धा केदार मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन है और उसकी भी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, कभी फिर आपको बताऊंगा। तो ये बिनोद नदी हमारे घर के साइड से आती है और ये रामगंगा नदी ऊपर चखोटिया मासी चखोटिया साइड से आती है। तो आपको दिखाते हैं केदार की लंबाई, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से, जैसे कि आप इस पुल पर देखिए, आप पूरा 105 मीटर की यह पुल है और बैरिकेडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें जाली बनाई गई है और रोड दिए गए हैं और बड़े बड़े इसमें स्टील रोड है ताकि इसमें जंग भी ना लगे। तो जैसे कि आप देखते हैं ऊपर का, अगर आप देखें तो ऊपर में इस समय थोड़ा सा सूर्य भगवान भी हैं और आपको नज़ारा ये है। तो चलते हैं उस तरफ, आपको थोड़ा उस तरफ भी करके दिखाता हूँ। तो गाइज अगर आप जैसे शालदे की तरफ से आते हैं ना, तो एकदम से जब वहाँ पर रोड मिलती है तो वहाँ का नज़ारा कैसा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो भी ऐसा बना रखा है, जैसे कई जगहों पर क्या होता है ना कि बहुत तंग जगह होती है, तो ये तंग जगह नहीं है और इन्होंने रोड का पहले चौड़ीकरण करा और उसके बाद फिर दिया। तो पता है अब गाड़ी इधर से अगर आती है ना, उस तरफ से अगर गाड़ी आती है रामनगर की ओर से देघाट की तरफ, बड़ी आसानी से आ सकती है। और अगर मासी चकोटे से भी गाड़ी इस तरफ आने चाहती है तो बहुत ही आसानी से आ सकती है। तो और भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं जो देख रहे हैं, तो ये है। अगर आप यहाँ से इधर को जाते हैं तो ये आप चले गए सीधा मासी चकोटिया को, और अगर आप इधर को जाते हैं सीधा तो ये चले गए आप सीधा रामनगर को। तो इसे ही मैं आपको आप दिखाने आया था आपको आज, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो वहाँ पर लिखा है भिक्यासेन मासी चकोटिया, तो ये निशान भी यहाँ पे दिए गए हैं। और सीधा जाएंगे तो भिक्यासेन, अगर आप इधर को जाएंगे यानी कि राइट साइड को, तो वो है चकोटिया। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इधर से रोड अगर आती है ये सामने, तो वही मंदिर। तो गाइज ये था नज़ारा, कुछ अल्टीमेटिक नज़ारा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आके और बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर आके, शांति भी है और बहुत ही बढ़िया। तो पुल के ऊपर हमारा एक राष्ट्रीय झंडा भी लगा हुआ है, तो जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है जिस पुल का। तो बहुत ही, अब यहाँ से शालदे 7 किलोमीटर आसान हो गया, और अगर आप यहाँ से मासी जाते हैं तो 7 किलोमीटर, यानी कि शालदे से लेकर मासी की जो लंबाई है किलोमीटर में वो 14 किलोमीटर है, और देघाट के अगर आप माने तो शालदे से फिर 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर फिर वहाँ पर वो भी है, तो 7 × 14 = 21 किलोमीटर देघाट आपको
पड़ेगा यहाँ से, तो बहुत ही सस्ता किलोमीटर माने तो रोड भी बहुत अच्छी है और सारा ट्रैफिक जो है इसी रोड से आ रहा है, चाहे दिल्ली को जाओ, चाहे देवघाट को जाओ, चाहे रामनगर को जाओ, तो बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो बहुत ही अच्छी सुविधा मिल चुकी है। और पुराने पुल की बात कहें तो यहाँ पर ये है पुराना पुल, जो कि अब ये पूरा बंद हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं इस पुल की लंबाई दिखाता हूँ कितना देर में वहाँ पहुँचता हूँ, और आप देख सकते हैं 105 मीटर लंबा पुल, जो कि बहुत ही बेहतरीन दृश्य इसके अंदर जाने का आपको मिलता है। देख सकते हैं पूरा 3 मिनट मेरे को इसमें आने को लगा लंबाई में, और आप जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ से चलते हैं, और आज मेरे साथ मेरे अम्मा हैं और ये भी मेरे साथ हैं, तो चलते हैं फिर आपको रोड का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो बुद्ध केदार जो प्राचीन मंदिर है वो इस तरफ है, रोड इधर भी आगे एक पुल है पैदल रोड, और ये आ गई आपका ये पुल और ये नज़ारा है। अब हम चलते हैं सीधा सालदे की ओर, तो निकल चले हैं गाइस यहाँ से, अब हम सीधा सालदे की तरफ। तलाई हम पहुँच चुके हैं, इस समय आप सामने का जो दृश्य देख रहे हैं ये तलाई गांव है, और नीचे विनोद नदी है, और सामने रोड है, ये है तलाई का पुल पुराना वाला, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा चाय जलपान ग्रह भी बन चुका है यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे जलपान भी पीते हैं और ऑर्डर करेंगे पहले तो यहाँ पर उनको नमस्कार नमस्कार यहाँ पर ऑर्डर देके खाना पीना भी बन जाता है यहाँ पे। बहुत ही शानदार रोड और बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है इस समय, अल्टीमेट नज़ारा यहाँ से इस समय गाइस आप देख सकते हैं पूरा है छियाणी, और यहाँ से एक रोड जाती है, अगर हम केदार से आते हैं तो लेफ्ट जाएंगे तो चसरोटी रामनगर, और अगर राइट जाते हैं सीधा जाते हैं तो ये सालदे देवघाट, तो सालदे का नज़ारा आप इस समय देख सकते हैं बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य। तो जितने भी यहाँ पर सरकारी हेलीपैड आते हैं वो सब यहाँ पर रुकते हैं, और अगर मुख्यमंत्री आता है तो यहीं आता है, तो यहाँ पर हेलीपैड भी है, और नज़ारा देख रहे हैं बिल्कुल बेहतर, और रोड का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया। तो ये है छियानी, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद सालदे नगरी।